अपने कॉलेज टाइम पे एक चीज़ ना सबने खाई होती है और सबकी फेवरेट भी बहुत होती है, और वो है मैगी। मेरे कॉलेज के बाहर ना एक मैगी का स्टॉल लगता था और वहाँ पे वो एक स्ट्रीट स्टाइल मैगी देता था। इतनी टेस्टी होती थी उसकी मैगी कि परमानेंट उसके स्टॉल पे भीड़ लगी रहती थी। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूं और आप भी वो मैगी बना के खाएं, क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है। अगर आपने एक बार ट्राई करी ना तो बार बार वही ट्राई करेंगे फिर। तो ठीक है, इसके लिए क्या करना है आपको, मैगी को अलग से बॉयल करना है। तो पानी चढ़ा दीजिए, मैगी जो है बिना तोड़े डालिए, ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे तो ऐसे अच्छी लगती है बिना तोड़े। तो फिर उसको बस बॉयल कर लीजिए, अच्छे से बॉयल हो जाए, मतलब पक जाए, कच्ची भी ना रहे, अच्छे से पक जाए। फिर आपको उसको स्ट्रेन कर लेना है, और मैगी को स्ट्रेन कर लीजिए। फिर इसको बस थोड़ा सा ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दीजिए ताकि ये फर्दर ना कुक हो। तो बस ये आराम से इसको साइड में रख दीजिए। अब यहाँ पे हम तवा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल मैगी है, तो उसी तरीके से सेम बना रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, और बटर ना जले इसके लिए थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिए। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा घी ऐड कर सकते हो, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब जब ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है, तब हम इसमें डालेंगे ये प्याज, ग्रेटेड अदरक, और एक ग्रीन चिली मैंने यूज़ करी है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, एकदम स्ट्रीट स्टाइल फील देता है ये। अब इसको हम अच्छे से होने देंगे, जब तक प्याज जो है गोल्डन ब्राउन होगा तब तक हम इसको पकाएंगे। अब देखिए ये प्याज जो है, प्याज में कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चॉप्ड टोमेटोज। लगभग मैंने दो टमाटर छोटे छोटे यहाँ पे रफली चॉप कर लिए हैं, आप एक बड़ा टमाटर भी ले सकते हैं। इसको बस एक मिनट के लिए सॉटे करना है, और बस इसको पकने देने के लिए छोड़ देना है। थोड़ा सा इसमें नमक भी आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि यार मैगी में जनरली सबको नमक कम लगता है, मुझे इतना सही लगता है नमक, तो मैं इसमें नई नमक डाल रही हूँ। थोड़ी सी मैं इसमें कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ ताकि और अच्छा ना कलर आए, तो ये एडिशनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, ना डालना चाहें तो ना डालिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बस इसको सॉटे करते रहिए जब तक टमाटर अच्छे से पक ना जाए। अब देखिए ये टमाटर जो है अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे ये टेस्ट मेकर, दो मैगी के लिए दोनों टेस्ट मेकर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। और कोई भी मैं मसाला अलग से नहीं ऐड कर रही हूँ, उससे क्या होता है कि मैगी का ओरिजिनल जो टेस्ट है वो चला जाता है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है मैगी खाने का। तो बस इसको थोड़ी देर सॉटे करना है आपको, एक मिनट, फिर आप मैगी ऐड कर दीजिए। और देखिए मैगी जो है वो कितनी खुली खुली और कितनी अलग अलग है, वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुई है। तो ये मैगी बहुत टेस्टी लगती है खाने में, बहुत अच्छी बनती है ये, तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप ये। अब क्या करना है, अब बस आप इसको मिक्स 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 कर दीजिए अच्छे से। इसको आप फॉर्क की मदद से जो है मिलाइए, तब ये अच्छे से इवनली मिक्स होगी, क्योंकि ये मतलब चाउमीन की तरह इसको मिक्स करना पड़ेगा। तो दो चीज़ें यूज़ करिए और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी। देखिए कितनी इवनली मिक्स हो गई और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इसमें एक चीज़ मैंने लास्ट में बस ऐड कर दी थी, थोड़ा सा मैंने सोया सॉस मिलाया था, बहुत कम मिलाया था, आधे चम्मच के करीब मैंने इसमें सोया सॉस डाला था। इससे ना थोड़ा सा कलर भी आ गया था और थोड़ा सा टेस्ट भी इन्हांस हो गया था। तो चॉइस है आपकी, डालना चाहे तो डालें वरना कोई बात नहीं, और बहुत ही अच्छी बनती है। बच्चों को तो बहुत पसंद आती है यार ये मैगी, तो सबके लिए होती है, सबकी होती है, तो सब इसको बना के खा सकते हैं आप लोग, फैमिली में बना के खिला सकते हैं। और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको